स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं द्वारा लड़े गए चार बड़े युद्ध। जैसा क्या है कि हमने पिछले वीडियो में हुमायूं के बारे में कुछ बताया था और उसके बारे में अब आगे कुछ जान लेते हैं जो आपको एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब बात करते हैं चार बड़े युद्ध कौन से हैं। तो दोस्तों पहला युद्ध है देवरा का युद्ध जो 1531 ईस्वी में लड़ा गया था, और दूसरा है जो चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में लड़ा गया, और तीसरा बिलग्राम का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था, और दोस्तों चौथा जो है सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। ऐसे ही अगर आपसे प्रश्न आए कि जो है हुमायूं द्वारा दूसरा युद्ध कौन सा लड़ा गया था, तो आप बताएंगे चौसा का युद्ध। अब इस युद्ध के नतीजे हम आगे आपको बताते हैं। दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, और बता दूं कि ये शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। और दोस्तों इस युद्ध का जो परिणाम निकला जिसमें शेर खान की विजय हुई और हुमायूं की हार हुई, इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह का पदवी ग्रहण कर लिया। दोस्तों अब अगला बात करते हैं बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। दोस्तों यह युद्ध भी शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ, और आपको बता दूं कि जिसमें शेर खान की भी विजय हुई और हुमायूं की पराजित हुई। तो दोस्तों शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जो आगरा एवं दिल्ली था वो हुमायूं के कब्जे में था, और दोस्तों इसमें अब इस युद्ध के बाद आसानी से शेर खान ने इस तख्त पर बैठ गया, दिल्ली और आगरा के तख्त पर। दोस्तों ये सब युद्ध के परिणाम थे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं, आपके एग्जाम में अगर आते हैं या आपसे पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हुमायूं का निकाह कब हुआ। आपको बता दूं कि जो शेर खान और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं अभी पराजित हुए थे, वो बिलग्राम का युद्ध था, और आसानी से आगरा पर शेर खान ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इस युद्ध को, युद्ध भवन को छोड़कर हुमायूं भाग गए थे और जाकर ये सिंध चले गए युद्ध छोड़कर। और साथ ही साथ इन्होंने निकाह किया अपना 29 अगस्त 1541 ईस्वी को, जिनका नाम था हमीदा बानू बेगम। तो इन्हीं से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पैदा हुए। तो दोस्तों अकबर के बारे में भी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, फिलहाल ये अभी हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न आए कि हुमायूं का निकाह तो 29 अगस्त 1541 ईस्वी में हमीदा बानू बेगम से किया। अब अगला प्रश्न है कि पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब बैठे हुमायूं? तो आपको बता दूँ कि 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर जो थे उनको पराजित कर दिया, और फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब ऐसे ही अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो दोस्तों हुमायूं नामा की रचना जो थे गुलबदन बेगम ने किया था। जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी। अब अगला बात करते हैं हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन है? तो दोस्तों हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर है। दोस्तों जो होते हैं उत्तराधिकारी वो क्या होते हैं कि जैसे उनके पिताजी, मतलब अकबर के पिताजी हुमायूं थे, तो हुमायूं से जब शासन चल रहा है अगर नहीं चल पाए बुढ़ापे की वजह से या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद वहाँ का कौन राजा बनेगा वही उत्तराधिकारी सेट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़े बेटे अकबर थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।